अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल चाल ने तुहाडे? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे ठीक होवोगे। शुरू कर दें जी अज दा व्लॉग। अज सुबह हाते नूं आए हैं, मैं कहा चलो देखते हैं चल के कि बच्ची दी की सूरत हाल आ, क्योंकि वे जिहड़े सिंग बनवाए सीगे उदा ते माशाल्लाह ठीक आ, लेकिन डेली उहनूं जिहड़ा वा असीं आके चैक करीदा वा, ते नाले उहदे जिहड़े आ कोई अगर कोई तेल शेल या मक्खी वगैरह बहिंदी आ ते उहदे वास्ते तेल शेल लगाईदा। उदा तो माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन, कोई परेशानी नहीं हैगी। बाकी भी जानवर जिहड़े आ वह फिट फाट आ, अल्लाह पाक दी रहमत आ, अपनी मौज मस्ती दे विच खड़े आ। पट्ठे छट्ठे सुबह इन्होंने खा लए आ, ते हुण जिहड़ा वा इह दुपहर नूं अपना जिहड़ा धुप सेक रहे आ बह के, नाले जगाली कर रहे आ। जिहड़ा खाणा वी इह खांदे आ फिर उहनूं इहनां नूं हजम करन लई टाइम चाहीदा हुंदा। इंसान की तरह नहीं है इन्हों का सिस्टम कि बई खादा तो वह खुद ही मेदे ने हजम करना, इन्हों जरा वा दोबारा एक बार उन्होंने हजम करना पैदा, उन्होंने असी जगाली का प्रोसैस भी कहने। जगाली जी दोबारा अपने मेदे के खुराक में लैके आते पठिया मूँह के, फिर उन्होंने दोबारा चबा चबा के फिर अंदर लैके जाते हैं। इंसान का तो यह है कि एक दफा अंदर चला गया तो फिर वो अंदर ही मेदे के अंदर ही जो भी वह प्रोसैस आ होना वा, लेकिन इन्हों का नहीं इस तरह होंगे। इन्हों दोबारा मेहनत करनी पैंती है अपना, यानी कि खाना दोबारा जोड़ा वा वह हजम करना पैंता वा। तो हूँ इतों जाना वा जी मुरबे न, घर दे कह रहे थे कि नुशी नू लै आयो खाण, तो फिर तुहानू मिलते हैं जाके मुरबे दे विच। हाँ जी व्यूवर्स, तो पहुँच चुके हैं जी मुरबे दे विच, ते ऐ ओही कणक आ जिहनू असीं उहदा स्प्रे मारी सी, तुहानू विखाया भी सीगा। तो स्प्रे ने जिहड़ा वा अपना असर दिखाना शुरू कर दिता वा। कैमरे दे विच तां मे बी जिहड़ा वा उह ना इह चीज़ नज़र आवे तुहानूं, लेकिन कणक दी ना थोड़ी थोड़ी रंगत नूं फर्क पै गया वा, मतलब इह पीली हो जांदी आ जदों इहनूं स्प्रे की जाती है, तो जड़ियाँ जड़िया बूटियां होंगे ना वो मुरझा जाए, खत्म हो जाते हैं बूटे फुल वगैरह जिहड़े भी तुसी मतलब हुण विच होए आ। जिदा सरों का जिहड़ा वा वह भी मुरझा रहे आ, उन्हां दे उत्ते भी असर हो गया वा, इन्हां ने सड़ जाना वा फिर पीले हो के सुक जाना वा। तो बाकी जिहड़े आ हुण पट्ठे वगैरह सीगे अपने बरसण दे, वह भी अल्लाह किते जदों दी धुप निकली आ उदों दा इन्हां ने भी जोश फड़िया वा, यह भी हुण यानी कि ना अपनी काफ़ी स्पीड दे नाल वध रहे आ, ग्रोथ करन रहे आ। तो बकाया जिहड़े आ तुम दिखाने इतों कि भी की हालत होंगी है जो एक स्प्रे की जाती है बूटे के उत्ते, देखो ये भी तुम लग रहे हैं इतों आम अख के नाल, तो सही पता लगता वा कि भी मुरझा गए। देखो इन खड़ा होना चाहिए वा, लेकिन यह भी सिर सुटी बैठा वा। यही हालत होंगी है जो जहर या स्प्रे असं मार दें, यह भी देखो थले सिर की बैठे आ, वजह यह है कि स्प्रे हो गई है हुण इहदे नाल जिहड़ी इहदे विच गंद मंद जिहड़ियां बूटियां हैगियां वा वाधू घाटू वा सारियां खत्म हो जाणियां वा, सिर्फ फिर कणक ही रह जाणी आ, इहदे नाल कणक की पैदावार जिहड़ी आ उह बेहतर हुंदी आ, असर ज़्यादा लगदा वा, दाणा मोटा हुंदा वा। ते बकाया हुण विजिट करन आए सीगे मरबे नूं, मैं कहा चलो देख जाने आ, क्योंकि अबू ने कहा सीगा वी लसण वाली जमीन नूं देख के आवीं, लसन हुण गुडन वाला होया कि नहीं, क्योंकि पहले धुप नहीं सी निकलती हैगी जिहदी वजह दे नाल उहदी गोडी वगैरह नहीं हो सकी, हुण उहनूं गुड्डांगे तां कि उहदी भी जिहड़ी नशोनुमा बेहतर हो जाए। ऐ आ जी बाकी जिहड़ा कि पालक शालक लाई हुई आ, लेकिन असीं लेट हो गए सीगे बीजण वास्ते, इस वास्ते इहदी यानी कि जिहड़ी ना वह भी ग्रोथ टी अच्छी नहीं हैगी, तो जगह तो तकरीबन इहदी हुण खुशक ही आ, लेकिन इहनूं हुण इत्थों जरा फोल के देखदे आ चाबी दे नाल कि भी इह की कहिंदी आ, नहीं तो फिर कल नूं इहनूं गुड़ दिंदे आ, तैयारी करदे आ अपनी गुड्डण दी। हाँ जी तकरीबन हुण इह 72 आ, इहनूं हुण असीं गुड़ सकते हैं।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬਕਾਇਆ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਨੂੰਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਗਿਰ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी व्यूवर्स तो हूँ जड़ा वा वो जा रहे हैं घर में वापसी किनू शिनू तोड़ लाए है वेखो पिंड हूँ हरियाली है पूरी हर पास क्योंकि हले हर चीज़ जी कोई भी तैयार नहीं हुई है कणक भी तैयार नहीं हुई है राए जड़े आ पकड़ के आए हुए आ लेकिन वह भी हले जाने के कच्चे ही आ पूरी तरह नहीं पक्के है इस वास्ते हर तरफ हरियाली आ हूँ खानू देखने एक डेढ़ महीने तो बाद फिर जी जो गर्मी स्टार्ट होनी है फिर इतने हरियाली बिल्कुल होनी नहीं हैगी हर चीज़ जी वगैरह भी जी पक जानी वा उन्हों की भी रंगत तब्दील हो जानी है जी भी फसल आ भी बाग वगैरह भी टुट जाने सारे हूँ बिचों बिचों कई टुट गए लेकिन कई किनू लगे हुए हाले भी नहीं तराई हुई उन्होंने बकाया जी कई बिचों टुट गए बाग आए टुट गया वा बिल्कुल किनू नहीं है लेकिन ये सामने जोड़ा वा ये बिच हले भी किनू लगे हुए आ तोड़िया नहीं है। हाँ जी व्यूवर्स तो असं हूँ दोबारा आए हाँ हाथे देखने आया सी मैं कि भी कईयों ने पट्टे पुट्टे खा ले कि नहीं क्योंकि भाई अज जरा किसी पासे नूं गए हुए थे तो मैं क्या चलो आते गेड़ा मार लें आने वाले ही सके वैसे वह भी लेकिन मैं क्या चलो वैसे जाके एक दफा गेड़ा मारना चाहिए वा तो छोटी बच्ची जेड़े आ पट्टे नहीं सी रखे हुए तो डॉक्टर साहब उदन जे आए थे उन्होंने मशवरा दिता कि भी इन्होंने हूँ हरे पट्टे ना जोड़े नेरे ही बगैर तूड़ी तो यानी कि सुके तो इन शुरू करो बाकी भी पट्ठिया मूँह शू मारे तो वो फिर जी सेहत आ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी क्योंकि हले तो दुध ही पीती है तो हूँ जरा वा मैं क्या भी चलो इन पट्ठे पा दें हरी निरे जरा वा कुछ ना कुछ स्टार्ट करे पट्ठे खाने देखते हैं नाले हम की कहती है जिदन के सिंग बनाए आ उदन की बहुत ज्यादा ना डरन लग पी आ शायद उन्होंने फील हो गया वा कि मेरा यार खाला 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 तो हूँ जरा वो शुरू करेगी लेकिन हले एडे पट्ठे पुट्ठे मूँह शू मार भी नहीं हैगी थोड़े थोड़ा स्टार्ट करेगी हूँ फिर इंशाला आदत हो जाएगी उन्होंने तो खाण लग पैगी इनू भी इस तरह ही शुरू किया पहले ये छोटी होंगी सिंग बनवाए थे तो हूँ तो अल्ला किते पांच महीने की हो गई है अपना दुध शुद्ध भी यदा जरा वा हूँ खत्म करवा दिता वा तीन महीने चार महीने तक इन दुध पिलाया वा सी उस तो बाद हूँ यानी कि पट्ठिया के उत्ते कंप्लीट इनू शिफ्ट कर दिता वा दुध यानी कि फीडिंग यदि जी खत्म कर दी है असी लेकिन यदि भी जी जी फीडिंग वो ज़्यादा करवानी पैनी है क्योंकि ये जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी यदि माँ वा जो पैदा हुई है उदों भी काफ़ी कमज़ोर सी यदि जी सेहत आ बहुत ज़्यादा डाउन सी सानू तो एक दफ़ा लग्या कि भी अल्लाह खैर ही करे क्योंकि बहुत कमज़ोर सी ये लेकिन हूँ जी माशाल्लाह दूध दूजों का पीना शुरू किया वा कुछ बेहतरी आई है सेहत भी बेहतर आ हूँ तुरन शरण भी लग पी आप ही तो इंशाल्लाह अल्लाह किते हूँ जरा वा वो बेहतर हो जाएगी होर तुसी भी दसो व्यूवर का कमेंट करके कि तुसी जेड़े वा केड़े केड़े लोग आ जेड़े इस पेशे दे नाल व्यवस्था वा यानी कि जिन्होंने माल डंगर घर दे विच रख्या होया वा ते केड़ी केड़ी नसल दियाँ
ਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਥੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਿੱਲੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚਿਪਸ ਮੇਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਪਸ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।